TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हलके महेश्वरम जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 10 पैराडाइज फंक्शन हॉल के एंट्रेंस के मेन रोड पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की लापरवाही की वजह से मुकामी आवाम को काफ़ी परेशानी हो रही है। मेन रोड जो शमशाबाद एयरपोर्ट की रोड है, जहां पर VIP और VVIP आने जाने वाले हैं, वहां पर भी जलपल्ली म्यूनसिपालिटी और वार्ड नंबर 10 के काउंसलर की लापरवाही की वजह से आवाम को काफ़ी मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से यहां की आवाम इस चीज़ का परेशानी और मुसीबत का सामना करते जा रही है। एक तरफ हुकूमत क्लीन और ग्रीन कहती है, मगर दूसरी तरफ यहाँ की म्यूनसिपल जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के अहदेदार और यहाँ के सियासतदानों की लापरवाही की वजह से हज़ारों की तादाद में लोग जहाँ पर रहते हैं, वो लोगों को काफ़ी मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने वाले गाड़ियाँ, जो नई गाड़ी भी हो, एक दो महीने में वहाँ पर ख़राब हो जा रही है। एक तो रोड सही नहीं, दूसरी तरफ ड्रेनेज का पानी बहने की वजह से कई लोग बीमारी का शिकार होकर दवाखानों के चक्करे काटते जा रहे हैं। फिर भी मुकामी वहाँ के पॉलिटिशियन हो या फिर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वाले हो या तो फिर 10 नंबर के जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 10 के काउंसलर हो, कोई भी यहाँ पर कार्रवाई करने में नज़रअंदाज कर रहे हैं। इंतखाबात गुलिस्ता चंद दिन पहले हुए हैं। हर वक्त इंतखाबात के वक्त डरा धमका कर या मीठे बातें कर कर आवाम को बेवकूफ बना कर फुसला कर अपने वोट ले लेते हैं और इंतखाबात के बाद फिर वो नज़र भी नहीं आते हैं। वहाँ की मुकामी आवाम का कहना ये है, जलपल्ली के लिए कोई भी सामने आकर आवाज़ निकालेगा तो उसकी तो खैर नहीं है, जिसकी वजह से लोग खौफ से मीडिया के कैमरे के सामने भी नहीं आ रहे हैं और वो खौफ से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मुकामी लीडरों का और चंद सियासतदान का डोमिनेशन और खौफ की और डर और धमकी की वजह से मीडिया के सामने नहीं आ रहे, ना तो अहदेदारों तक ये बात पहुंच रही है, ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, घुट घुट कर अपनी सांसें लेते जा रही है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन हो या फिर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के ऑफिसर्स को चाहिए वहाँ की मुकामी आवाम को राहत की सांस लेने दे। वहाँ पर रोड के साथ साथ भी ड्रेनेज सिस्टम को चेंज करना चाहिए। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुलिस्ता 3 दिन पहले हैदराबाद के कई सीवरेज लाइंस को साफ़ सफाई कराने की हैदराबाद के वाटरवर्क्स MD के अलावा दीगर GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी थी, मगर यहाँ की आवाम नए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत के रेवंत रेड्डी से उम्मीद रखते हैं। वो ख़ास करके जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 10 पर, जो यहाँ की आवाम हज़ारों की तादाद में यहाँ पर फैमिलीज रहते हैं, एक तरफ वो बीमारियों से, मच्छरों से और मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और दीगर बीमारियों से, ये गंदी नाली के पानी से, नाले बहने वाले पानी से परेशान है, तो दूसरी तरफ जो लोग पैदल जा रहे हैं वो चल नहीं सकते और क्योंकि वहाँ पर नीचे पूरा गंदा पानी रहता है, और तीसरी चीज़ वहाँ पर गाड़ी पे सवार होने वाले भी महफूज नहीं है, कभी भी कोई भी वक्त वहाँ पर गिर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने या अपनी फैमिली के साथ गाड़ी पे जाना मतलब ड्रेनेज के पानी का मज़ा चखना ही ज़रूरी है। कम से कम अभी तो भी हलके महेश्वरम के मुकामी MLA, साबिका वजीर और जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन और वार्ड नंबर के 10 काउंसलर को चाहिए कि लोगों को डराना, धमकाना, खौफ करना छोड़ दे और वहाँ पर सही ड्रेनेज लाइन के साथ साथ रोड का इंतज़ाम करे। ये हमारे TV11 के हेल्पलाइन को वहाँ के एक मुकामी शख्स ने, एक खातून ने इस वीडियो को भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो बैट देने से, मीडिया के सामने आने से खौफ से वो नहीं आ सके, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को मंजर आम को मीडिया में लाने के लिए अपील की है। उम्मीद रखते हैं नए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत के रेवंत रेड्डी जलपल्ली पर उनके कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और वहाँ के जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के अहदेदारों को हिदायत दे कि रोड नंबर 10 जो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में रोड नंबर वार्ड नंबर 10 के पास जो ड्रेनेज का पानी लगातार कई महीनों और सालों से बहते जा रहा है
और वहाँ पर रोडों का सही इंतजाम करे। आइए देखते हैं टीवी 11 की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, जो लोग हमारे इस टीवी 11 चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फौरी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। नाजरीन, आपके इलाके में चाहे कोई भी सरकारी मुलाजिम हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर वाटर वर्क्स हो या जीएचएमसी हो, कोई भी अहदेदार लापरवाही से काम कर रहे या तो फिर वहाँ के कोई भी सियासतदान आपको डरा रहे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो डिस्प्ले पे मौजूद है 8142-3222-14, 8142-3222-14, इस नंबर पर कॉल करिए या तो फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आपके एरिए के वीडियोस या फोटोज़ को हमें मैटर के साथ भेजिए, जिसे हम खुफिया तरीके से रखे जाएंगे।